उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। शिव में इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा एपिसोड चल रहा था महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। पहला एपिसोड में नंबर क्वेश्चन 1 से 10 के क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए गए हैं दोस्तों, और आज हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल भी देता हूँ कि 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो किया गया कार्य क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों पहले आपको जो दिया गया है वो पहले लिखो। एन का मान कितना दिया गया है 10 किलोग्राम, एच का मान कितना दिया गया है 30 मीटर, और जी का मान आपको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने पहले बता दिया था, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में सूत्र में सभी मान रखकर आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के फैक्ट समझें, और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज ज़रूर समझें दोस्तों। ठीक है, उस लैंग्वेज समझने के बाद ही क्वेश्चन को करें, नहीं तो आप कैलकुलेशन सही कर देंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद में भी आप जो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे उसका आंसर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है जो गलत हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, घातक होते हैं। आपको प्रत्येक लाइन में ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना। एम का मान आप क्या रखेंगे 10, जी का मान कितना रखेंगे 9.8। बस फैक्ट आपको यही समझना है यहाँ कि आप एच का मान कितना रखेंगे दोस्तों। तो एच का मान देखें, क्वेश्चन समझें कि जहाँ ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया गया है जहाँ ले जाया गया था दोस्तों। तो ऊंचाई पर अगर देखें कि जिस ऊंचाई पर जिस स्थान से ले जाया गया वहां पर ही वापस ला दिया, तो H यानी विस्थापन क्या हो गया दोस्तों, शून्य। और जो विस्थापन शून्य हो गया तो उसका कार्य भी क्या होगा दोस्तों, शून्य। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा जो कितना है, शून्य, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आप H का मान यहाँ 30 मीटर, ये कन्फ्यूज करने के लिए जरूर देगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप समझ लेना, H यदि विस्थापन यानी अगर शून्य है तो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा दोस्तों, शून्य ही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और फैक्ट समझते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा विद्युत ऊर्जा, तीसरा रासायनिक ऊर्जा, चौथा नाभिकीय ऊर्जा। तो कौन सी होती है दोस्तों, यानी कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होगी। हम विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हैं, यानी हम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन या लिपिड लेते हैं, और ये क्या है, एक प्रकार के केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा, यानी 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 13वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन देखें, एक समान समतल एंगल पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है। पहला ऑप्शन, बक्से को खिसकाने पर, बी ऑप्शन, बक्से को खिसकाने की दूरी पर, सी ऑप्शन, बक्से की गति पर, डी ऑप्शन, बक्से की गति की दिशा पर। तो बताइए दोस्तों, यानी ये पूछ रहा है कि ये कोई बक्सा है, ए स्थान से बी स्थान पर ले जाया गया है, तो ए स्थान से बी स्थान पर ले जाया गया है, तो दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन, और विस्थापन ही तो दूरी होती है, तो दूरी वाला ऐसा ऑप्शन कौन सा देखें, तो बी ऑप्शन देखें, इसमें बक्से को खिसकाने की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आशा रखता हूं कि आपको 30वां क्वेश्चन भी, ये 13 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का 14 क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन देखें, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 700 मीटर है, यानी भार कितना है 300 न्यूटन, एच का मान कितना दे रखा 7 मीटर, तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है, यानी वो यहाँ 0 से 7 मीटर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद वापस इसी स्थान पर आ गया दोस्तों,
आ जाता है तो कार्य क्या होगा। दोस्तों देखें, मैंने 11वां क्वेश्चन करवाया है, ये 14वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन और 14वें क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, केवल क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा अंतर दिया गया है। फैक्ट यहाँ पर वही लगेंगे जो 11वें क्वेश्चन में लगे थे। तो यहाँ देखें तो W बराबर एम जी एच, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया जहां H विस्थापन अगर शून्य आ गया तो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। यहां अगर यहां देखें तो H यहां ऊपर, ठीक है, तो ये शून्य है। या फिर हम देखें तो कार्य क्या था, यानी कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये फॉर्मूला लगाते। विस्थापन यहाँ एच है तो ये जीरो हो जाएगा, बल आपको 300 न्यूटन, ये कार यानी यहाँ पर वेट एक प्रकार का बल ही तो है, न्यूटन ऐसा ही मात्रक किसका है, बल। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान में देखें, आपका मात्रक जो है वो सहायता देगा कि आपको मान किसका दे रखा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ बल का मात्रक दे रखा है 300 न्यूटन। लेकिन 300 को जीरो से गुणा करेंगे तो आंसर तो क्या आएगा, जीरो ही। जहां विस्थापन जीरो आ जाए उसका आंसर शून्य कर दो, 100% क्वेश्चन आपका सही जाएगा बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो विस्थापन को आपको देखना है कि इसमें शून्य है या नहीं, तो विस्थापन शून्य हो गया। अब ऑप्शन देखें, 2100 जूल, बी ऑप्शन 1000 जूल, सी ऑप्शन शून्य, और डी ऑप्शन कौन सा है, 1200 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 आपके हो गए हैं दोस्तों। तो आशा रखता हूं कि 15 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखें, ये सॉरी 14 क्वेश्चन हो गए हैं, 15वां देखें। 15वां भी इसी प्रकार से है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप अगर क्वेश्चनों को लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके हमारे क्वेश्चनों को लिख सकते हैं दोस्तों। और फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट हैं, और या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दें, अगले वीडियो में उसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। 15वां क्वेश्चन देखे हैं, 15 क्वेश्चन। 1 किलोग्राम मात्रा को 9 मीटर ऊंचाई, द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 kg, एच है 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कार्य पूछा है तो आपको सूत्र ध्यान में है तो सूत्र में मान ही तो रख रहे हैं कार्य। पहला ऑप्शन देखें 1 जूल, दूसरा ऑप्शन 9.8 का स्क्वायर जूल, तीसरा 9.8 जूल, चौथा 1/9.8 का स्क्वायर जूल। तो कार्य का मात्रक जूल है, सही है। कार्य का सूत्र क्या है, W बराबर MCH। पहले ये देख लें कि कौन कौन से मान दे रखे हैं और कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा। ठीक है, W बराबर MCH, M का मान दे रखा है आपको 1 किलोग्राम में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1, क्योंकि ऐसा ही मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम है। जी का मान आपको क्वेश्चन में जी का मान नहीं दे रखा है, तो जी का मान आपको ध्यान में होना चाहिए, कितना होता है 9.8। और एच का मान आपको दे रखा है 9.8, इसका गुणा करोगे तो आप देख लो ऑप्शन पर जाओ, पहले अगर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करके ऑप्शन दे रखे हैं, या 9.8 का स्क्वायर ये भी तो कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर वैसे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो शायद ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दे रखा है 9.8 का स्क्वायर जूल, नंबर 2 यानी बी आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि 15वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, आज का 16वां क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं, NTPC रेलवे ग्रुप डी लोको पायलट में इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और मैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं, वो एक श्रृंखलाबद्ध आपको पहले फैक्ट पढ़ा दिए गए हैं, आपको टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद में मैं ये फिजिक्स वाला पोर्शन के यानी साइंस से जितने भी हैं वो एक लगातार मैं श्रृंखलाबद्ध आपको MCQs करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज का 16वां क्वेश्चन देखें। 16वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन बोर्ड पर है। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या है। ठीक है, 20 किलोग्राम की वस्तु यानी 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर, h बराबर 1 मीटर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा। W बराबर mgh,
डब्ल्यू बराबर क्या है एमजीएच। यहां अगर देखें द्रव्यमान का मान ये 20 इंटू जी का मान 9.8, एच का मान कितना है दोस्तों 1, ठीक है। जीरो से ये जीरो कैंसल और कितना आ जाएगा 16, 1, 18 और 18 1 19, 196 जूल। ऐसा अगर ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन पहला देखें 0 जूल, 20 जूल, 200 जूल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। यहां एक फैक्ट वो भी लग रहा है कि निश्चित ऊंचाई पर, अगर देखें कि निश्चित किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य जो होता है वो कार्य हमेशा शून्य भी माना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये एक संशय है, इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया था। इसमें ऑप्शन देखें 0, 20 जूल, 200 जूल और इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वैसे अगर यहाँ फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कोई नहीं आंसर आना चाहिए, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर अगर किसी वस्तु को हम उठाते हैं तो उसका किया गया कार्य क्या है शून्य, ठीक है दोस्तों। ये मान्यवाद क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन मान रखा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की क्वेश्चन हम देखेंगे जरूर, तो इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर ए ही चुने क्योंकि ये मान्यवाद है, बोर्ड के अकॉर्डिंग है। और ये भी एक फैक्ट होता है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य हमेशा उसका क्या होता है शून्य होता है, क्योंकि वहां विस्थापन एक अवस्था जो होती है, विस्थापन वहां शून्य होता है। 17वां क्वेश्चन देखें, 17वां क्वेश्चन शक्ति कहलाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को आपको जो फैक्ट पढ़ाए थे, मैंने टॉपिक जो पढ़ाया था और उस टॉपिक में मैंने बहुत बार कहा था कि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं ना वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सुन लें पहले, फिर मैं समझा दूंगा। शक्ति कहलाती है, पहला ऑप्शन कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन दशा परिवर्तन की दर और चौथा ऑप्शन गति परिवर्तन की दर। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों शक्ति, देखो यहाँ पर मैं कि कार्य करने की दर और एक कार्य करने की क्षमता, मैं दोस्तों यही तो है, कार्य करने की दर और कार्य करने की क्षमता। मैंने फैक्ट क्या बताए थे कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है शक्ति, और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी दोस्तों ऊर्जा। तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें। और कार्य बराबर अगर देखें तो यानी जो कार्य है वो सॉरी कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है शक्ति, और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है ऊर्जा। और हमने शक्ति के बारे में पढ़ा था, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यानी उस कार्य में जो कितना समय लगा है, ठीक है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाएगी दोस्तों शक्ति। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है कार्य करने की दर। तो 17वें में नंबर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि 17वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों फैक्ट आप समझे, सूत्र शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति का मात्र क्या वो वोट होता है, ये वोट मैंने पढ़ा रखा है विद्युत शक्ति में। 18वां क्वेश्चन देखें, अश्वशक्ति किसका मात्रक है। अश्वशक्ति जूल, काम, शक्ति, बल आ गया, किसका मात्रक है अश्वशक्ति, अश्वशक्ति यांत्रिक जो होते हैं एचपी हॉर्स पावर मशीनों की जो शक्ति है अश्वशक्ति में मापते हैं, और अश्वशक्ति किसका मात्रक है दोस्तों पावर यानी शक्ति का ही मात्रक है। तो ऑप्शन देखें जूल, काम, शक्ति, बल, तो किसका हो जाएगा नंबर थर्ड क्वेश्चन इसका सॉरी थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा शक्ति का मात्रक क्या है अश्वशक्ति किसका मात्रक है क्वेश्चन, अश्वशक्ति किसका मात्रक है, तो इसमें हो जाएगा शक्ति का मात्रक, इंग्लिश में हॉर्स पावर कहते हैं। और ये भी बता रखा है मैंने एक एचपी बराबर कितना होता है 746 वाट। इस फैक्ट को भी आप न बोले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 18 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं, दो क्वेश्चन शेष हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। एक ही उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही मैं लगभग आपके एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत से जो आपको कंफ्यूज है उस कंफ्यूज को हम दूर भी करेंगे दोस्तों।
19वां क्वेश्चन देखें, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, यानी जो साधारण मशीन है उसकी क्षमता किस में दर्शाते हैं? ऑप्शन देखें, कार्य में, बी ऑप्शन शक्ति में, सी ऑप्शन किलोवाट में, डी ऑप्शन इनमें किसी में, कोई भी नहीं। तो इसका सही है कि साधारण मशीन है उस मशीन को सामान्यतः दर्शाते किस में, किलो वाट में। ध्यान में रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका नंबर सी ऑप्शन यानी 19वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसा ही मात्रक देखें तो शक्ति का वाट ही होता है। ठीक है, और दूसरा अगर देखें तो इससे निकाल लेंगे जूल बटे सेकेंड। जूल बटे सेकेंड बराबर क्या होता है? वाट होता है। ये मैंने पढ़ा रखा है, जो कोई हमारे वीडियो को नहीं देख पाया तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर कार्य ऊर्जा शक्ति वाले टॉपिक जरूर पढ़ें। यहाँ से क्वेश्चन 100% बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। ठीक है, आज का लास्ट वाला क्वेश्चन, पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार है। क्वेश्चन देखें, पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार है। ए ऑप्शन, वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य। बी ऑप्शन, शून्य। सी ऑप्शन, वस्तु के भार तथा द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य। डी ऑप्शन, वस्तु का भार है उस पर कार्यरत ऊपरी प्रणोद के योग के तुल्य। ठीक है दोस्तों, पानी पर तैरती हुई वस्तु आभासी भार देखें तो दोस्तों आभासी भार है वहां पर क्या होगा? शून्य। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फैक्ट आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं, यदि कोई वस्तु है वो पानी पर तैरती है तो उसका आभासी भार हमेशा क्या होता है दोस्तों? शून्य। तो ये है आज के 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम जो एपिसोड नंबर तीसरा होगा उसमें करेंगे 21 से 30 क्वेश्चन। तो आशा रखता हूँ कि दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको क्वेश्चन हमारे पसंद आए हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।